हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? खैर हैं होंगे, काफ़ी अच्छे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ, मेकअप वीडियो, पार्टी वेयर मेकअप वीडियो। तो अगर आप लोगों को ये मेरा मेकअप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। और अगर अच्छा ना लगे तो प्लीज़ डिसलाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। तो गाइज़, मैंने आपने देखा, मैंने पहले अपने फेस केयर किया अच्छे से, फेस वॉश करके फिर क्रीम अप्लाई किया है, टोनर, मॉइस्चराइज़र, क्रीम, देन मैंने जाकर के फिर प्राइमर अप्लाई किया, फिर फाउंडेशन, अब जाकर के मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड कॉन्टोर। तो सेम वही प्रोसेस है, नथिंग एल्स। गाइज़, ये जो कॉन्टोर मैंने अप्लाई किया है ना, ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। एक्चुअली कलर मेरे फेस से काफ़ी अच्छे से मैच हो रहा है। और एक्चुअली ये वीडियो जो है, मतलब ये टेक्निक मैंने फर्स्ट टाइम अपने वीडियो में अप्लाई किया है कि साथ में ही सारे चीज़ लगा के, कॉन्टोर, कंसीलर एंड ब्लश लगा करके, उसके बाद फिर मैंने इसको स्मच किया है। तो इससे पहले मैंने अपने वीडियो में ऐसा कभी नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम मैं सोची ट्राई करके देखती हूँ कैसा होता है। तो मुझे अच्छा लगा ये, मतलब अपने फेस पे अप्लाई करके सेम। और मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। मैं जो ये कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ ना गाइस, ये एक्चुअली इसमें 3 शेड है। एक मेरे फेस के अकॉर्डिंग एक शेड है, एक उससे लाइट है और एक ब्लशर टाइप से, मतलब उसको यूज़ करने पे, मतलब फेस पे ब्लशर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो 3 शेड का है वो कॉम्पैक्ट, फुल कॉम्पैक्ट, तो वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैं अपने फेस को, नोज़ को, फोरहेड को, चिक को हाईलाइट कर रही हूँ और उसके बाद ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। तो गाइज़, ये तो सारे नॉर्मल्स ही हैं। हाँ, मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताना चाह रही थी ना गाइज़, कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा ना लगे या कुछ मतलब अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा गाइज़, और मुझे बताइएगा कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये लुक आपका अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और उससे मुझे ये भी पता चलेगा कि मुझे कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने लोग नापसंद कर रहे हैं। तो आपने देखा कि मेरा मेकअप का, फुल फेस का मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपने आईज़ पे आ गई हूँ। इससे पहले मैं फॉरहेड, आईब्रो में मैंने अपने फिल किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मैरून और येलो, मैंने येलो ड्रेस पे इसको, ये वीडियो को मैंने बेस किया है। एक्चुअली आई साइडो मैं येलो कलर का बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं उसके लिए पहले मैं एक हल्का मल्टी कलर मैंने इसमें अप्लाई किया अपने आईज़ पे, देन हल्का मैरून लेकर के मैं अपने फिर आईज़ को, अपर आईज़ को अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। देन मैं येलो कलर का जो, सॉरी, येलो कलर का मैंने यहाँ पे आई शैडो लेकर के अपने आईज़ पे पूरे अच्छे से स्प्रेड किया है, स्मच किया है। देन उसके बाद फिर मैं जा कर के, तो मैं अपने दोनों अपर आईज़ पे येलो आई शैडो मैंने अप्लाई कर लिया, स्प्रेड कर लिया अच्छे से। देन यहाँ पे मैं एक पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इस पैलेट में आपको सारे कलर के ग्लिटर्स मिल जाएंगे। उस ग्लिटर में मैंने येलो कलर का ग्लिटर ले करके और अपने अपर आईज़ पे अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। एक्चुअली मैं देखी ना, वो ब्रश से मैं कर रही थी, तो ब्रश में सारे जो हैं आई शैडो, वो पूरा ग्लिटर उसमें लग जा रहा था, आईज़ के ऊपर में आ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि फिंगर से मैं ट्राई करके देखती हूँ। काफ़ी अच्छे से फिंगर से स्प्रेड हो गया गाइस, ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुआ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है येलो कलर। देन लोअर लेस पे मैंने सेम उसी तरह मैरून कलर पहले अप्लाई किया है। देन उसके बाद मैं
मैं इसे पिछले वाले वीडियो में ना फ्रेंड, एक्चुअली मैं काजल यूज़ की थी अपने आईज़ के ऊपर में मेकअप का बेस रखने के लिए, आप देखे ही होंगे। बट उसमें क्या हुआ था, मुझे, मैं काजल ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ ना, तो जिसके वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतें आई उसको, मतलब लगाने में, अप्लाई करने में। तो वो काजल भी बार बार वो ज़्यादा टूट जा रहा था। मैं एक्चुअली जेल आईलाइनर ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो ये आपने मेरे सारे वीडियोस में देखा ही होगा, मैं सेम एक ही ये बस यही एक काजल है जो मेबलिन का है वो मैं यूज़ करती हूँ। अब वो उसके आईलाइनर लगाने के लिए यूज़ करना हो या फिर नीचे में काजल के जगह पे उसको लगाने के लिए यूज़ करना हो, मैं दोनों जगहों पे एक सेम ही यही मेबलिन का मैं आईलाइनर ही यूज़ करती हूँ। आपने देखा मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। देन उसके बाद मैं उसके ऊपर मैं ब्लर अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर ली हूँ, और उसके बाद जा कर के अब बारी आ गई हमारे लिप्स के। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले एक डार्क शेड लेकर के लाइनर क्रिएट किया है अपने लिप पे, देन उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई की। तो गाइज़ ये हमारा मेकअप तो कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं मैं रेडी भी हो गई हूँ, ये मेरा फाइनल लुक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। हाँ, हेयर स्टाइल थोड़ा सा अजीब सा है ना, बट इट्स ओके, चलता है। आप फास्ट अगर अपने मेकअप को क्रिएट कर रहे हो, हेयर स्टाइल क्रिएट कर रहे हो तो ऐसा चलता है, बट अच्छा लग रहा है। प्लीज़ गाइज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लव यू गाइज़।